अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 जून 2021 गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन सुहागनों का सबसे बड़ा त्योहार वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुहागने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही साथ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, इसी दिन शनि जयंती भी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 10 जून को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत के दिन ही जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, एक बार सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल, ताकि भोले भंडारी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, इस महीने चंद्र ग्रहण के बाद अब सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण 10 जून गुरुवार के दिन लगेगा। ये भारत में दिखाई देगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। आइए जानते हैं कि ग्रहण किस राशि में लगेगा, इसका क्या प्रभाव होगा और ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस बार आने वाले 10 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा वो साल का पहला सूर्य ग्रहण है और ज्योतिष दृष्टि से ये बहुत ही खास संयोग लेकर के आ रहा है। और इसके पहले 26 मई को चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के बाद 15 दिन के भीतर ये दूसरा ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र में इस सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जा रहा। मान्यता है कि ग्रहण के समय पाप ग्रह राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को जकड़ लेते हैं, जिस कारण ये ग्रह कमजोर और पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये साल भी पिछले साल के मुकाबले बहुत ही भारी था, बहुत बुरे प्रभाव सबको झेलने पड़े। लेकिन ज्योतिष की नजरों से ये ग्रहण अपने साथ और भी ज्यादा कड़े प्रभाव लेकर क्या रहा है, आम जन को और भी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, 10 जून को सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होगा, जो शाम 6:41 पर समाप्त होगा, जबकि सूतक ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी 10 जून को सुबह 1:42 से ही शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य ना करें। वहीं बात करें वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त की, तो अमावस्या 9 जून को दोपहर 1:57 पर आरंभ होगी और 10 जून शाम 4:20 पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि इसी दिन शनि जयंती भी है। इसी दिन शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। शनि देव को काला उड़द और तिल का तेल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसके बाद तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। चलिए अब जानते हैं कि किस राशि में लगेगा सूर्य ग्रहण। 10 जून को सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में लगेगा, जिसका असर मेष राशि से मीन राशि तक सभी राशियों पर दिखाई देगा। वृषभ राशि के जातकों पर ग्रहण का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान वृषभ राशि के जातकों को संभल कर रहना होगा। ग्रहण के दौरान घर पर ही रहें और सूर्य देव की उपासना करें, इससे आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण में आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि इस बार का ग्रहण वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के साथ ही लग रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सूतक काल के लगने से ही ग्रहण से संबंधित कई तरह की सावधानियां रखना आरंभ हो जाता है। सूतक में खाने की चीजों में तुलसी दल रखना चाहिए। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में पूजा स्थल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि ग्रहण का बुरा असर भगवान पर ना पड़े। इस सूर्य ग्रहण के बाद स्नान दान और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी रहेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि सूर्य ग्रहण को भूल कर भी खाली या नग्न आंखों से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये आंखों के लिए भी बेहद नुकसानदायक होता है और अगर गर्भवती महिला है तो आपके होने वाले बच्चे की आंखों पर भी इसका असर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इस समय ईश्वर का ध्यान करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, सूर्य मंत्र, नारायण मंत्र का जप और ध्यान करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ग्रहण काल के बाद पवित्र नदी में या जल में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी बताया गया है। स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और दीप दान करें। इससे स्वास्थ्य पर अनुकूल असर होता है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रहण से पूर्व भी स्नान करना जरूरी कहा गया है।
क्योंकि ये साधना का समय भी होता है। ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों का जप, गुरु मंत्र का जप, नारायण कवच का जप और विभिन्न ग्रहों के मंत्रों का जप करना शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।